अब आई नहीं। कल मैंने आपको ये पूरा बता दिया था कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, क्यों भाई? आज मैं वो फार्मूला निकालूंगा, इसलिए इस बहुत ध्यान से आपको समझने हैं और इस बेस पे क्वेश्चन भी निकालेंगे। पहले आप सीधा बैठ जाओ, ओए लड़के सीधा बैठ जाए। आप यहां देख लो, कल जो मैंने फिगर बनाया था वो कुछ ऐसे था। ये ऐसे अभी मैं बोला हूं, क्यों बोल रहे हो ये लड़के? ये तीन प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध है? तीन। पहले का नाम मैं रख ले रहा हूं R1, ये तीन प्रतिरोध है। आवाज नहीं करोगे? और ये तीनों प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ये इधर देखना है लड़कियां, ये प्रतिरोध हैं, और कितने प्रतिरोध हैं? तीन प्रतिरोध। इनका नाम क्या है? R1, R2 और R3। किस क्रम में जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में। तो सिर्फ इतना बोलना होगा, क्योंकि फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं तो पहले फिगर में जो चीज दी हुई होती है उसको बोलते हैं, लिखते हैं उसके बारे में, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। यह देखो, तो बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे ये सुन लो। हम बोलेंगे चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। क्या इतना बोल लोगे भाई? सुन लो दोबारा से, मैं क्या बोल रहा हूँ। हम ये बोल रहे हैं चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ये सभी चीजें क्लियर है? इतना बोल लोगे ना भाई? अब ये सुन लो, इनमें बहने वाली धाराएं क्या हैं? ये भी जरूरी है जानना। मान लो एक तार यहां से जोड़ लेंगे और एक तार यहां से, और इन दोनों तारों को जोड़ करके इनके बीच में एक बैटरी फिट कर देंगे। कुंजी है और ये बैटरी है, ये बैटरी मैं फिट कर दे रहा हूं। ये अब देख लो ये धारा कैसे बहेगी। मान लो ये माइनस है और ये क्या चीज है? प्लस। जैसे ही ये स्विच को ऑन करेंगे यहां से धारा बहने लगेगी। मान लो इस बैटरी से जो धारा निकलेगी इसका नाम क्या है? I। क्या नाम है भाई? मान लो ये I धारा बहती हुई यहां तक तो आ जाएगी I, लेकिन इसके आगे जाने के कितने रास्ते हैं बाबू? तीन। तो तीनों रास्तों में ना धारा, तीनों रास्ते से ना कुछ धाराएं जाएंगी। तो कुछ धाराएं इस रास्ते से जाएंगी ऐसे होते हुए, कुछ धाराएं ऐसे सीधे चली जाएंगी और कुछ धाराएं ऐसे आएंगी। तो जो धाराएं इधर जाएंगी इसका नाम रख ले रहे हैं I1, जो धारा इधर जाएगी इसका नाम है I2, और जो धारा इधर जाएगी इसका नाम क्या है? I3। बोलो समझ में आया? अब ये सुन लो, I1 धारा बहती हुई ऐसे इधर से I1 आएगी, और I2 सीधे ऐसे बहती हुई I2 जाएगी, और यहां से इस तरह से ये बहती हुई क्या जाएगी? I3। इधर से I1 यहाँ आएंगी, इधर से I2 आएंगी, इधर से I3, तीनों यहां मिल जाएंगी ना। जब तीनों मिलेंगी तो फिर से क्या बना लेंगे? I। क्या बना लेंगे? अब ये I जितना निकली थी उतना बैटरी के रियर टर्मिनल में इंटर कर जाएगी। क्या हमारी बात समझ में आया?
अब आप देख लो, तो ये I1, I2, I3 क्या है? ये प्रवाहित धाराएं हैं। क्या है बाबू? प्रवाहित धाराएं। अब देख लो, जब ये धाराएं अलग अलग हो जाएंगे तो इनके सिरों पर विभवांतर समान हो जाएगा। तो इसके सिरों पर जो विभवांतर मिलेगा किससे लिख लेंगे? V से। इसके सिरों पर भी विभवांतर को V से, और इसके सिरे पर भी जो विभवांतर होगा इसको किससे लिखेंगे? V से। अब मैं पूछूं ये V क्या है, तो आप बोलोगे ये इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। उत्पन्न ये क्या है बाबू? विभवांतर है। इसके बाद हम किसका नियम शुरू कर देंगे लगाना, इसमें ओम के नियम। ये देख लो, तो सबसे पहले इस फिगर में जो चीज दिया है पहले इसके बारे में बोलना है ना। क्या बोलोगे ये सुन लो। बोलेंगे हम चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। क्लियर है भाई? दोबारा सुन लो, क्या बोलेंगे? चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। क्लियर है? उसके बाद बोलेंगे जिनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः, दोबारा सुन लो, क्या बोलेंगे? जिनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2 तथा क्या है? I3 है। अब सभी बातें एक साथ जोड़ के बोलो क्या हो जाएगा। बोलेंगे चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2 तथा I3 है। बोलो क्लियर है इतना? उसके बाद बोलेंगे यदि इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी हो तब ओम के नियम से। बोलो इतना हो जाएगा भाई? फिगर बनाने के बाद यही इतनी चीजें लिखनी होती है। अभी जल्दी नहीं, थोड़ी सी वेट करें। अब ओम का नियम क्या है? मैंने तुम्हें श्रेणी क्रम संयोजन में एक चीज बताया था, हमने बोला था ये प्रतिरोध तो अलग अलग होगा ही, लेकिन इनके अलावा कभी ये धारा अलग अलग होंगे तो विभवांतर समान होगा, और किसी में विभवांतर अलग अलग होंगे तो धारा समान होगा। तो हम बोले थे जो अलग अलग होगा हम फार्मूला उसी का लगाएंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो इसमें अलग अलग क्या है? भी अलग अलग है कि I1, I2, I3 अलग अलग है? I1, I2, I3 ये अलग अलग है ना, तो ये I का फार्मूला लगाएंगे। तो ओम के नियम में I बराबर क्या फार्मूला होता है? V अपान R। क्या हमारी बात समझ में आया? I बराबर क्या फार्मूला होता है? V अपान R। बोलो कोई प्रॉब्लम है? अब पहले प्रतिरोध के लिए देखो, देखो पहले प्रतिरोध में धारा कौन सी बह रही है? I1। इनके सिरों पर विभवांतर क्या है? V। और ये R होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है? R1। तो यहाँ से मान भरो, यहाँ आई है तो पहले वाले में धारा कौन सी बह रही है? आई वन। तो आई के जगह पे हो जाएगा आई वन। बी है तो लिखो बी। आइए प्रतिरोध आर है तो यहाँ पे क्या है? आर वन। बस एक ही समझना था। विभवांतर देखो कहीं नहीं बदल रहा है, नहीं ना बदल रहा है, यहाँ भी नहीं बदला है। देखो यहाँ आई वन है तो यहाँ आर वन हो गया, यहाँ आई टू करेंगे तो क्या होगा? आई थ्री करेंगे, आई फोर करेंगे। अब बोलो ये I2 का मान पूछेंगे तो क्या बोलोगे? ये बोलोगे V अपान क्या हो जाएगा? R2। अगर I3 का मान पूछेंगे तो क्या बोलोगे? V अपान R3। बोलो ये चीजें इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है? अब आप फिर यहाँ देखो, इसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ देखो I1, I2, I3 तीनों मिलके क्या बना ले रही है? I। इसका मतलब कि ये I1 प्लस कर देंगे I2, अब प्लस कर देंगे I3, तो ये सब मिलके क्या बना लेंगे? I। बोलो क्लियर है?
तो I बराबर क्या फार्मूला मिल गया, I1 प्लस I2 प्लस क्या है I3। अब देखो यहाँ I है, I बराबर क्या फार्मूला आया है V अपान R। मान भरो अब ये I1 है, I1 बराबर क्या फार्मूला है V अपान R1, लिख लो V अपान R1। प्लस I2 है, I2 बराबर क्या फार्मूला है V अपान R2, लिख लो V अपान R2। ये I3 है, I3 बराबर क्या फार्मूला है V अपान R3, लिख ले रहे V अपान R3। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब आप देख लो ये V अपान ये R इक्वल टू, यहाँ सभी जगह V V V दिख रहा है ना, तो यहाँ से हम V कॉमन ले लेंगे और V जैसे ही कॉमन लेंगे ये V सभी जगह से ख़त्म हो जाएगा। तो जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो क्या मानते हैं एक और नीचे ये क्या है R1, यहाँ पे क्या है ऊपर एक और नीचे क्या है R2, यहाँ भी ऊपर कुछ नहीं है तो एक नीचे क्या है R3, है ना भाई। भाई भी से भी काटेंगे क्या बार में कटेगा, तो फार्मूला निकल गया एक बट्टे ये R बराबर क्या मिल गया बाबू, ये एक बट्टे क्या मिला है R1 प्लस एक बट्टे R2 प्लस एक बट्टे R3। बोलो समझ में आया, यही किसका फार्मूला है बाबू, समांतर क्रम संयोजन का। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? ऐसे लिख लोगे अपने मन से? तो अब क्या करोगे बाबू, सबसे पहले आप फिगर बनाओगे और उसके बाद इस फिगर में जो जो चीज दिया है, मैं बोला हूं ना लिखने का तरीका, क्या लिखोगे चित्र में तीन प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं जिनमें प्रवाहित धाराएं क्रम से I1 I2 तथा I3 है। यदि इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V हो तब ओम के नियम से, कर लो।